हाय, वेलकम द जीपीटी शो। मैं हूँ भावना तिवारी और आज मैं फिर एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर लखनी देवी, जो कि रतनपुर में स्थित है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी और दर्शन भी कराऊंगी। इसलिए हमारे वीडियोस को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। छत्तीसगढ़ में एकमात्र लक्ष्मी का प्राचीन मंदिर एक बीरा पहाड़ी रतनपुर कोटा मार्ग में स्थित है। धन वैभव, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां महालक्ष्मी का यह प्राचीन मंदिर हजारों लाखों भक्तों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में पवित्र भाव से देवी की आराधना करने से दुख, दरिद्र, रोग, शोक व दुखों का शमन होता है। महालक्ष्मी का यह मंदिर लखनी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। जिस पर्वत पर यह स्थित है, इसके भी कई नाम हैं। इसे एक बीरा पर्वत, वराह पर्वत, श्री पर्वत व लक्ष्मी धाम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजा रत्नदेव तृतीय के मंदिर गंगाधर जी ने 1189 ईस्वी सन में कराया था। उस समय इस मंदिर में जिस देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसे एक बीरा देवी व स्तनभिनी देवी कहा जाता था। प्राचीन किंवदंति के अनुसार राजा रत्नदेव तृतीय के साल 1178 ईस्वी सन में राज्यारोहण करते ही सारी प्रजा दुर्भिक्ष, अकाल व महामारी से त्रस्त हो गई थी। सारा राजकोष खाली हो चुका था। ऐसी विकट स्थिति में राजा के विद्वान मंत्री पंडित गंगाधर ने लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के बनते ही अकाल व महामारी राज्य से खत्म हो गई और सुख समृद्धि, खुशहाली फिर से लौट आई। इस मंदिर की आकृति शास्त्रों में वर्णित पुष्पक विमान की तरह और इसके अंदर श्री यंत्र उत्कीर्ण है। लखनी देवी का स्वरूप अष्टलक्ष्मी देवियों में से सौभाग्य लक्ष्मी का है, जो अष्टदल कमल पर विराजमान है। सौभाग्य लक्ष्मी की नित्य पूजा से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति बनी रहती है। इस मंदिर में धनतेरस व दीपावली में विशेष पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। श्री हनुमान मूर्ति निर्माण स्थल एक प्राचीन स्थल है, जहां मान्यता अनुसार श्री हनुमान संजीवनी लेते समय चतुर्मुखी भरारी रतनपुर के दिव्य को आकाश से देखकर वहां अल्प विराम के रूप में वर्तमान लखनी पहाड़ पर खड़े हुए थे। इस पर्वत पर तप में लीन ऋषि ने उनसे रुककर विश्राम करने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने श्री लक्ष्मण के जीवन रक्षा दायित्व बताते हुए आगे अपने मार्ग की ओर प्रस्थान किया व वापसी में आने का वचन दिया। वे वापसी में दूसरे मार्ग आकाश मार्ग से श्रीलंका की ओर प्रस्थान किए।
किंतु तपस्वी ऋषि को स्वप्न दिया कि वे शीघ्र उस पर्वत की ओर प्रकट होंगे। 12 दिनों बाद वहां उनकी स्वयं प्रतिमा चट्टान में प्रकट हुई। तपस्वी साधक वहीं बैठकर आज भी साधना करते हैं। उपेक्षा के कारण वहां पहुंच मार्ग नहीं बनने से सामान्य जन वहां कभी नहीं पहुंच पाते थे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ। वर्ष 2000 में वहां स्वसंभू मूर्ति, जो उपेक्षा के कारण भूमि में दब गई थी, उसे पुनः स्थापित करते हुए इस प्राचीन सिद्ध स्थान के उद्धार हेतु विशाल प्रतिमा की स्थल में ही निर्माण करते हुए विगत सन 2000 से जरूरी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यहाँ रतनपुर के जो राजा थे रत्नदेव, उनके मंत्री गंगाधर शास्त्री को स्वप्न आया कि पहाड़ के किनारे में मेरी मूर्ति रखी हुई है, उसको दबा करके आप मंदिर बनाकर स्थापित कराओ। ये गंगाधर शास्त्री जी ने उस मूर्ति को निकलवाया, उनका निर्माण किया है और ये 11वीं शताब्दी के आसपास का मंदिर जो बना हुआ है। मंदिर के जो आकार है वह श्री यंत्र जो बना है ना लक्ष्मी जी का, उसी आकार में बना हुआ है। और विगत कई वर्षों से महामाया ट्रस्ट द्वारा यह संचालित हो रही है और उन्हीं के द्वारा पूजा पाठ सब किया जा रहा है। और 2006 में ये जो नीचे धर्मेश्वर महादेव है उनकी स्थापना की गई है, तब से यहाँ पर पूजा पाठ और यहाँ जो प्रमुख जवाना रहता है जो टोकनी में बोया जाता है, करीब करीब 4,000-5,000 के आसपास यहाँ जमाना बोया जाता है। नवरात्रि दोनों नवरात्र में और विशेष अघन के मास माता महालक्ष्मी के जो गुरुवार की पूजा रहती है वह विशेष अमावस्या पूर्णिमा इस दिन पूजन पाठ मन कथा इत्यादि जो इन सब का आयोजन किया जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी धर्म संस्कृति की जानकारी हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलती रहें।